13 मिनट्स। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है ये एक नेचुरल डिजास्टर के ऊपर बनी हुई फिल्म है, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक सिचुएशन कि किस तरीके से एक तूफान की वजह से किस तरीके से क्या तबाही मचती है और लोगों के जनजीवन पर क्या उसका असर पड़ता है। अब यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि ये फिल्म आपके लायक की है या नहीं, क्योंकि ये कोई पहली या फिर इकलौती फिल्म तो है नहीं जो कि आप देख रहे हो। अब आप बोलोगे कि क्यों कैसे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप की जो ज़्यादातर फिल्में होती हैं ना, वो किस तरीके से बनाकर हमारे सामने रखी जाती है। सबसे पहले तो हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, उन कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उनकी सिचुएशन, उनके अलग अलग सिचुएशंस, उनकी कहानियाँ हमें दिखाई जाती हैं, ताकि जिससे हम एक तरीके से इमोशनली उन सभी कैरेक्टर से अटैच हो सकें, उन्हें जानें, उन्हें समझें। और उन कैरेक्टर्स को लिखा ही ऐसे जाता है कि कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग सा बन जाता है उन सभी कैरेक्टर्स और उनके सिचुएशन के साथ में, ताकि आने वाली जो घटना होने वाली है या फिर जो हमें सिचुएशन आगे देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर हमें एक तूफान देखने को मिलता है, तो उसके बाद जो उनका जनजीवन होगा या फिर उनके साथ जो हो रहा होगा उससे हम एक जुड़ाव फील कर सकें, एक तरीके से हमारी एक सिंपथी उन कैरेक्टर्स के लिए मतलब यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जाती है, ताकि हम एक जुड़ाव, एक अपनापन सा महसूस करें। और यही एक तरीके से एक फॉर्मूला होता है इस टाइप की फिल्मों का, जो कि ये इकलौती या फिर पहली फिल्म नहीं है, इस तरीके की ढेरों सारी फिल्में बनी हुई हैं। और उन सभी फिल्मों का जो रूटीन है, मतलब एक तरीके से जो फॉर्मूला है, वो सेम ऐसा ही होता है कि सबसे पहले आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, उनके बारे में, उनके सिचुएशन के बारे में आपको दिखाया समझाया जाएगा, उनसे अटैचमेंट करने की कोशिश की जाएगी ताकि एक बॉन्डिंग बने, ताकि वो जो दर्द, वो जो तकलीफ उनको बाद में होने वाली है उसको आप फील कर सको, वो आपको मतलब एक तरीके से लगे कि वो आपके लोगों के साथ या फिर आपके अपनों के साथ ही हो रहा है। तो ये गलत नहीं है, ये एक तरीके से सही ही है, पर एक तरीके से अभी इस ज़माने में, मतलब अभी मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी ऐसा लगता है कि ये घिसा पिटा फॉर्मूला हो चुका है, जहाँ पर अब वो मज़ा नहीं आता इस टाइप की फिल्मों को देखने में, वो फील नहीं आ पाता है, क्योंकि अब मतलब वो नॉर्मल हो गया ना इस तरीके की फिल्मों को देखने में, वही सारी चीज़ें बार बार होती रहती हैं। शायद द इम्पॉसिबल जो फिल्म है वो भी कुछ इसी टाइप की है। तो मुझे, हालांकि वो फिल्म मैंने देखी नहीं है, पर मैंने ट्रेलर देखा था और फिल्म देखने का मुझे मौका नहीं मिला। वक्त आएगा और कभी मुझे मौका मिला तो वो फिल्म देखकर मैं रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा, पर मुझे उस फिल्म का नाम याद आ गया। तो मतलब ये फिल्में ज़्यादातर इसी टाइप की होती हैं, मतलब वही रूटीन फार्मूला, सेम वही। तो इस तरह की फार्मूला वाली फिल्में अब नॉर्मल सी होने लगी हैं, तो अब ऐसी फिल्मों को देखने में ना वो उस टाइप का मज़ा नहीं आता है जो कि आना चाहिए एक्चुअल में। तो मुझे लगता है कि अब उस तरीके से हटकर हमें कुछ अलग तरीके की फिल्मों का भी जायका लेना चाहिए, कुछ अलग तरीके की फिल्में, अगर फिल्म के राइटर डायरेक्टर हमें कुछ अलग तरीके से बनाकर, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस टाइप की स्टोरी पर फिल्में नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए बिल्कुल, पर वही किसी पिटी रूटीन या वही फॉर्मूला लगा के फिल्म को बनाकर हमें हमारे सामने रखना, वो अब मज़े वाली बात रही नहीं। फिल्म को देखने में मज़ा नहीं आता, आप वैसा मतलब फील भी नहीं करोगे, क्योंकि वही पुरानी फिल्मों की वाइब्स आने लगती हैं कि नहीं ऐसा तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो वो मज़ा नहीं आ पाता है। हालांकि मतलब इस तरीके की स्टोरी को कुछ अलग ढंग से पेश किया जाए ना तो मज़ा पक्का आएगा। हालांकि इस फिल्म को देखने में मुझे वैसा मज़ा तो नहीं आया, पर हाँ फिल्म ठीक ठाक सी है, अच्छी फिल्म है जिसको आप सबके साथ बैठ कर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पर जैसे कि मैंने कहा कि ये ओके ओके टाइप फिल्म है, जो इस तरीके की फिल्म बहुत ज़्यादा देख चुके हैं उनके लिए ये फिल्म नहीं है। लेकिन हाँ, जो खुद को बस इंटरटेन करना चाहते हैं और जिनको इस टाइप की फिल्में, मतलब इस तरीके की डिज़ास्टर वाली फिल्में देखना पसंद है, तो उनको एक बार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। वो इस फिल्म को देखेंगे तो उनका अच्छा खासा टाइम पास ज़रूर हो जाएगा। लेकिन ये फिल्म शुरुआत में थोड़ी बहुत बोरिंग और स्लो लग सकती है, लेकिन अगर आपने उसको झेल लिया तो ये फिल्म आपको अच्छा खासा इंटरटेन कर ही देगी। हालांकि फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको बताया, फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोहार।